शरणागत दीनार परित्राण परायणे सर्वस्यात्रे देवी नारायणे नमस्तुते। शरणागत दीनार परित्राण परायणे सर्वस्यात्रे देवी नारायणे नमस्तुते। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आज का महामंत्र क्या है और इस महामंत्र का जप आप कैसे करेंगे, महामंत्र के जप करने से आपको क्या लाभ होगा। इसके बाद बात करेंगे आज के पंचांग की, पंचांग की क्या स्थिति है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, राहु काल कब है, दिशाशूल कब है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, ये सारी बात आपको विस्तार से बताएंगे। 12 राशियों के भी बारे में बताएंगे कि कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यात से धन मिलेगा, कौन प्रॉपर्टी खरीदेगा, कौन सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा रहेगा, सावधानी क्या बरतनी, उपाय क्या करना है। इसके बाद गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा, दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और आज जिनका जन्मदिन है उनके भी बारे में बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। आज बात करते हैं पंचांग की। आज है 7 जून 2023 और दिन है बुधवार। सूर्योदय हो चुका है सवेरे 5:21 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:17 पर, चंद्रोदय होगा रात 10:50 पर, चंद्रमा अस्त होगा सुबह 8:14 पर। आज चंद्रमा रहेगा धनु राशि में। कृष्ण पक्ष है, चतुर्दशी तिथि है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, ब्रह्म योग है और आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:52 से लेकर 12:46 तक रहेगा। राहु काल है दोपहर 12:19 से लेकर के अपराह्न काल 2:04 तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आज चंद्रमा है धनु राशि में। जो धनु राशि का स्वामी होता है देव गुरु बृहस्पति होता है। जब बृहस्पति की राशि पर चंद्रमा होता है तो व्यक्ति बहुत उत्साहित होता है, इनर्जेटिक होता है और अपने मेहनत के द्वारा काफी धन अर्जित करता आगे बढ़ता है। तो आज का दिन खास तौर से बहुत अच्छा है, अपने को आगे बढ़िए, मेहनत करके जो भी प्लान करते हैं उसको सफल करिए और आपकी योजनाएं सफल होंगी, नौकरी मिल सकती है, नए कार्य हो सकता है। तो आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर होगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि राहु काल में कोई भी कार्य न करें, दिशाशूल में यात्रा करने से बचें, क्योंकि दिशाशूल में यात्रा करने से यात्रा सुभद नहीं होता। लगता है आपका यात्रा लंबी दूरी की है, पूर्व नियोजित है, पूर्व निर्धारित है पहले से, तो आप एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में जो भी मुहूर्त होता है उसमें अगर प्रस्थान निकाल के यात्रा करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वहीं अगर शुभ मुहूर्त में कोई नया व्यापार, नया कार्य या नौकरी के लिए जाते हैं या कोई भी नया शुभ कार्य करने की प्लान करते हैं तो उसमें अगर करते हैं तो आपको बड़ी सफलता। तो हमेशा किसी भी नए कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त में ही करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज है बुधवार, इसलिए जो आज का महामंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। यह जो महामंत्र है यह प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति का है। यह देवताओं में प्रथम पूज्य है, अग्रणी है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें भगवान श्री गणेश की आराधना करके ही किसी नए कार्य की शुरुआत होती है। भगवान श्री गणेश को कहते हैं कि विघ्न हरता है, विघ्नों के नाश करते हैं। तो आप बुधवार के दिन अगर कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान श्री गणेश का पूजा करके अगर करते हैं तो आपका कार्य संपन्न होगा। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है, बुध के नाते आपको परेशानी हो रही है, आपकी नसों में दिक्कत हो रही है, यदि आपको मार्केश की दशा चल रही है और लगता है कि आपका रोग ठीक नहीं हो सकता, ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री गणेश की आराधना करना आपको रोग और शोक से मुक्त करेगा, धन की स्थिति अच्छी करेगी, परेशानियां आपकी दूर होंगी, संकटों का समूल समाधान होगा और हर तरीके से उत्तरोत्तर विकास होगा। तो आप इस महामंत्र का रुद्राक्ष के माला से नियमित आप जप करें, कम से कम एक माला तीन माला, आप देखेंगे कि आपको उत्तरोत्तर विकास होगा। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, कौन पत्रकार बनेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यात से धन मिलेगा, ये सारी बातें आपको बताएंगे। किस अंक के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, क्या सावधानी बरते, क्या उपाय करें, ये भी बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं आज का दिन आपका बड़ा उत्तम है।
यदि आप धन के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको धन के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। आयात निर्यात से धन लाभ होने का योग बन रहा है। अचानक विदेश यात्रा हो सकती है, आपका समय अनुकूलता लिए हुए है, परेशानी आपकी दूर होंगी। अपने समय का सदुपयोग करें, आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। परिस्थितियां अच्छी हैं, कोई भी कार्य करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। जो भी कर्जे हैं, ऋण है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी जो योजनाएं हैं वो लाभकारी होगी। रोग और शत्रु परास्त होंगे। यदि आप कोई पूंजी व्यापार में निवेश करते हैं तो लाभदायक होगा। नौकरी के लिए समय उत्तम चल रहा है, आपको नौकरी भी मिल सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, लाल चंदन भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें और जलाभिषेक करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। परिस्थितियां अनुकूल है, लाभ का योग बन रहा है, संतान सुख मिलते हुए दिख रहा है। संतान की चिंता समाप्त होगी, धर्म और कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। नौकरी इत्यादि से लाभ मिलेगा। यात्रा मंगलकारी होगी। विरोधी परास्त होंगे और शत्रु शांत रहेंगे। रोग और शत्रु परास्त होंगे। सावधानी क्या बरतनी है, अपने समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना, सफेद वस्त्र दान करें और पत्नी और माँ का सम्मान करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको वाद विवाद से बचना है। बेवजह वाद विवाद न करें, मध्यम मार्ग अपनाएं। यात्रा और मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। जो खास तौर से राजनीति के क्षेत्र में है, उनके लिए समय श्रेष्ठ कर चल रहा है। आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, नए व्यापार से धन लाभ मिलते हुए दिख रहा है। शुभ घटनाओं के होने का शुभ योग बन रहा है। अवश्य आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर कहीं पूंजी निवेश करते हैं तो सोच समझ करके करें। आज आपको शुभ और लाभकारी समाचार मिलेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। माता पिता का सुख मिलेगा। द्रुत गति की गाड़ी न चलाएं। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, खान पान पर नियंत्रण रखें। हरा वस्त्र दान करें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। शुभ अंक 6, शुभ रंग है पीच कलर, लक मीटर 6। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक है, आज आपके अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा काफी आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक लाभ मिलेगा। दूर देश की यात्रा होने की संभावना बन रही है। कार्यों में विस्तार होते हुए दिख रहा है। आज आपके शत्रु चिंतित रहेंगे, उस शत्रु पर आप प्रभावी होंगे। संपत्ति से लाभ मिलेगा। अगर कोई पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। नौकरी के लिए अनुकूल परिणाम होंगे। यात्रा हो सकती है, यात्रा लाभदायक होगा। खिलाड़ियों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। जो अधिवक्ता है, वकील है, वैज्ञानिक है और व्यापारी है, उनके लिए आज का दिन बेहतर है। सावधानी क्या बरतनी, शेयर में पूंजी निवेश करने से बचें। उपाय क्या करना, मोती एवं चांदी दान करें, अपनी पत्नी अथवा माताजी को गिफ्ट करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने आलस्य का परित्याग करिए और अपने कर्म क्षेत्र में लग जाइए। आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। मनोबल आपका हाई रहेगा। कार्यों में मन लगाना अच्छा रहेगा। किसी भी कार्य को मन लगा के करिए। पराक्रम से धन लाभ होगा, सम्मान बढ़ेगा, परीक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी। आवेश में आके कोई कार्य न करें। गुस्सा पर नियंत्रण रखें, गुस्से में आपका काम बिगड़ सकता है। और छोटी छोटी बात को लेकर परेशान न हो, लक्ष्य के प्रति फोकस होकर कार्य करिए, बड़ी सफलता मिलेगी। बच्चों का सुख मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा, परेशानियां दूर होंगी। सावधानी क्या बरतनी है, पिता से वाद विवाद न करें। उपाय क्या करना है, लाल चंदन लाल पुष्प भगवान भास्कर को अर्पित करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि की जातक हैं, आज आपको सलाह मशविरा से लाभ मिलने का योग बन रहा है। बौद्धिक कार्यों से धन लाभ अर्जित करेंगे। विदेश जा सकते हैं। अगर कोई पूंजी निवेश करते हैं उसे लाभ मिलेगा। नौकरी से भी लाभ होगा। यात्रा आपकी मंगलकारी होगी। जोखिम न उठावें। रोग और शत्रु परास्त होंगे। शुभ समाचार मिलेगा और कोई रुका हुआ धन है उसमें आपको लाभदायक समाचार मिलेगा। लाभ प्राप्त होगा। धन की स्थिति मजबूत होगी। पुराने मित्र मिलेंगे। जो आपके बचपन के दोस्त हैं उनके मिलने से मन खुश रहेगा। बच्चों के टेरिटरी में दखलअंदाजी न करें। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी गोपनीयता बरतें। उपाय क्या करना है, गौशाला में गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा अर्पित करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग से ग्रीन, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं तुला राशि की।
जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परेशानियां दूर होंगी, समय आपका एक्सीलेंट है, लाभ प्राप्त करने का योग बन रहा है, यात्रा अचानक हो सकती है, रोजी रोजगार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, आर्थिक रूप से आप सशक्त होंगे, पदोन्नति का योग बन रहा है, परेशानियां दूर होंगी, सरकार से लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजयश्री मिलेगी और छोटी छोटी बात को लेकर परेशान ना हो, अपने मन पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना है, अपनी बहन को श्वेत वस्त्र उपहार में दें। शुभ अंक 2 शुभ रंग है नीला, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आप जो भी पराक्रम करेंगे वो आपके लिए लाभदायक होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ोतरी होगी और ईंट भट्ठे के व्यापार से लाभ मिलेगा, अगर कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा। विद्यार्थियों के लिए समय सफलता का समय चल रहा है, एकेडमिक करियर आपका अच्छा होगा, धन अर्जित करेंगे, यात्रा हो सकती है, अस्थायी संपत्ति के मामलों में लाभ मिलने का योग बन रहा है, परिस्थितियां अनुकूल है, दूर देश की यात्रा होगी, विदेश जा सकते हैं, आयात निर्यात से धन मिलेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान न हो, सावधानी का व्रत नहीं है, अति विश्वास करना किसी पर नुकसानदेह हो सकता है। उपाय क्या करना, श्री हनुमान जी को हनुमान कवच का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक 1 शुभ रंग है लाल, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है, बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, व्यापार और निवेश में जोखिम उठाने से लाभ मिलेगा, नौकरी आदि में प्रमोशन मिल सकता है, विरोधी परास्त होंगे, कार्यों में मित्रों की मदद मिलेगी और बड़ी सफलता प्राप्त होने का योग बन रहा है, परेशानियां दूर होंगी, शुभ कार्य होगा, संतान सुख मिलेगा, घर में नया मांगलिक कार्य हो सकता है और जो भी परेशानियां दूर होंगी, आध्यात्मिक विकास होगा, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है, यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं, आज आपको सफलता मिलेगी, आज आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो सकती है, आपका सम्मान बढ़ेगा, सावधानी क्या बरतनी है, नए कार्य करने से बचें। उपाय क्या करना है, गुरु माता को नवीन वस्त्र गुरुवार को आदर सहित दान दें। शुभ अंक 9 शुभ रंग हल्दी कलर, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक है, ध्यान रखना है कि आप पर शनि की 7.5 चल रही है, तो गुस्सा न करें, अचानक विदेश यात्रा का योग बन सकता है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, शुभ कार्यों का होने का योग बन रहा है, यात्रा से लाभ होगा तथा व्यापार में पूंजी निवेश करते हैं तो लाभदायक होगा, सरकारी नौकरी मिल सकती है, साक्षात्कार में बुलावा आ सकता है, आज आपका समय शुभद है, सुखद है, वाणी पर थोड़ा संयम आवश्यक है, कब क्या बोलेंगे आप ध्यान नहीं रखते, कई बार वाणी से अपने लोगों को दुश्मन बना लेते हैं, पत्नी से व्यवहार अच्छा रखें, माता का सम्मान करें, पिता के का सम्मान करिए, गुरु का भी सम्मान करिए, कटु भाषा न बोलें, अगर कोई नई पूंजी लगाते हैं तो सोच समझ के लगाने की आवश्यकता है, सावधानी क्या बरतनी है, तेज गति का वाहन चलाने से परहेज करें। उपाय क्या करना है, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक 7 शुभ रंग सफेद, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, विरोधियों से थोड़ा कष्ट मिल सकता है, शुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं, आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग एवं शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा होगी, नए तरह के कार्य कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड से लाभ मिलेगा, गाड़ी तय खरीदने का योग बन रहा है, यदि आप कंस्ट्रक्शन माइंस पेट्रोलियम में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, सावधानी क्या बरतनी है, अपनी गोपनीयता बरतें। उपाय क्या करना, काली वस्तु का दान करें, पक्षियों को दाना पानी खिलावें। शुभ अंक 9 शुभ रंग नीला, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बड़ा बेहतरीन है, आपके सारे रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, योजनाएं लाभप्रद होंगी, बहुत दिनों से जो चिर प्रतीक्षित रुका हुआ कार्य है संपन्न होगा और रुका हुआ धन वापस आएगा, निवेश जो करते हैं उसे लाभ मिलेगा, आपकी भाग दौड़ बनी रहेगी, विघ्न बाधाओं के साथ कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, मनोबल ऊंचा रहेगा, परिस्थितियां अनुकूल है, माँ का सुख मिलेगा, पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा, कुछ पुराने मित्र हैं जिनसे आपका व्यवहार खराब हो सकता है, कटुतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखें, संबंधों को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि संबंध बहुत कीमती होता है, रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, तो रिश्तों को निभाने की कोशिश करें, छोटी छोटी बातों को लेकर उलझे ना, परेशान ना हो, मध्यम मार्ग अपनावें, सावधानी क्या बरतनी है, अगर आप कोई पूंजी निवेश कर रहे हैं तो किसी बड़ों से राय मशवरा ले लीजिए, थर्ड एडवाइस ले लीजिए, करें तब अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, पीली वस्तु का दान करें, भगवान विष्णु जी की आराधना करें। शुभ अंक 3 शुभ रंग है पिंक, लक मीटर है 9, हरे कृष्ण। आज है दिन बुधवार, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपकी घरों में
सब कुछ होता है, धन है, मन भी ठीक है, प्रतिष्ठा भी है, पूरा घर परिवार भरा पूरा है और संयुक्त परिवार भी है, लेकिन आपके घर में सुख शांति नहीं है। धन तो है, सुख शांति नहीं है, रोग व्याधि से ग्रसित है, परेशान है और आपस में मन मुटाव है और हेल्थ आपका साथ नहीं दे रहा ताकि आप वेल्थ का आनंद उठा सके। तो हेल्थ भी ठीक रहे, कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ठीक न रहे तो वेल्थ किस काम का। आप हेल्थ ठीक है तो वेल्थ तो कमा सकते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो धन तो आ सकता है, लेकिन अगर धन से स्वास्थ्य आप नहीं कर सकते तो ऐसे परिस्थिति में बुधवार के दिन खास तौर से आप तीन उपाय करिए, बहुत अच्छा रहेगा। एक तो प्रातः काल जब आप उठते हैं तो घर में जो खाना बचा रहता है रात्रि का भोजन, वो अपने हाथ से गाय को रोटी गुड़ या जो भी भोजन है गाय को अपने हाथ से खिलावें, नियमित 21 बुधवार करिए, नंबर एक। नंबर दो, आप क्या करें कि 5 प्रकार का मेवा ले लीजिए और मेवा का खीर बनाइए और खीर बना के भगवान श्री गणेश को अर्पित करिए और जो बचता है उससे हवन कर दीजिए ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से। आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां दूर होंगी। तीसरी बात ये करना है कि प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा पैर पर नहीं चढ़ाना है, दुर्वा उनको मस्तक पर चढ़ाना है, क्योंकि भगवान श्री गणेश को जो दुर्वा अर्पित करते हैं मस्तक पर करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि आपकी माली हालत अच्छी होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, घर में खुशियों का माहौल होगा, आपका उद्देश्य पूर्ण होगा, घर में सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य सब बढ़ेगा भगवान गणेश जी की कृपा से। तो इसका आप उपाय करिए, आप देखिए हो सकता है आपको लाभ मिले, इसको जमा के आप देख सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। बारी है दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का। हमारे साथ एक दर्शक है लखनऊ से, मनोज कुमार। मनोज कुमार का जो जन्म है 11 जून 1992 को हुआ है और 11 बजे इनका जन्म हुआ है। ये जानना चाहते हैं कि इनका आगे का समय कैसा रहेगा, नौकरी इनको कब लगेगी। तो देखिए मनोज जी, आपका जन्म सिंह लग्न का है, लग्न में देव गुरु बृहस्पति बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि पंचम सातवें और नौवें पर है। तो पंचम से ऐसे लोगों की अच्छी शिक्षा होती है, पत्नी सुख बढ़िया मिलता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा और आप भाग्यशाली होंगे। अभी वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है वह 24 जून 2022 से शनि में शनि का अंतर शुरू हुआ है जो 28 जून 25 तक चलेगा। यह कालखंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपको नौकरी लगेगी। जून 2023 से लेकर के जुलाई 2023 के बीच में नौकरी लगने की संभावना बन रही है। आप क्या करें कि सूर्यदेव की आराधना करें, जब प्रातः काल उठे तो माता पिता का चरण स्पर्श करें। बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपको प्रगत करें, आगे बढ़े, आपका चतुर्दिक विकास हो, आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे, हैप्पी बर्थडे। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनका मूलांक 7 होता है। जो 7 नंबर के जातक है, खासतौर से जो लोग 7, 16 और 25 तिथि को जन्म लेते हैं उनका मूलांक होता है 7। 7 नंबर देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण अंक होता है। आपके धन धान की स्थिति अच्छी होगी, भूमि भवन खरीद सकते हैं, घर में नया कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, एकेडमिक करियर में वृद्धि होगी, धन की स्थिति अच्छी होगी। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीद सकते हैं। जनवरी से लेकर जून तक का कालखंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गोल्डन है, सारी योजनाएं आपकी सफल होंगी। पुनः जुलाई से लेकर दिसंबर तक थोड़ा चुनौतियां आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उत्तरोत्तर विकास होगा, परेशानियों पर कब्जा करते हुए परेशानियों को काबू में कर लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाता है वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है। सावधानी क्या बरतनी है, खान पान पर नियंत्रण करें, गुस्से पर नियंत्रण करें, अपनी गोपनीयता बरतें। उपाय क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत लक्ष्मी जी की आराधना करिए और सिर सूक्त का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा, जिससे धन की स्थिति अच्छी रहे, पूरा वर्ष आपका अच्छा रहे। पुनः एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। भाग्य गुरु कार्यक्रम में बस आज इतना ही, फिर हम आपसे कल इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।